आइए जानते हैं एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम के बारे में। ये कॉमनली यूज्ड भी है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम भी है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब इडियम्स के बारे में पता है कि अगर आप लिटरल मीनिंग से जाएंगे वर्ड्स की तो आप इस इडियम का सही मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो आइए इसके पीछे की कोई कहानी बनाते हैं, समझते हैं कि इडियम आपके जहन में बैठ कैसे जाए और इसके मीनिंग को समझते हैं और इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाए इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस वॉज डिटर्मिंड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड द मर्डरर। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ भी गए होंगे कि इसका मतलब क्या। अगर आप इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे तो आप इसका मतलब समझ भी जाएंगे। बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला इडियम है, बहुत कुछ भी ट्रिकी नहीं है इसमें। आप इस तरीके से सोचें कि एक बहुत बड़ी सी जगह है कहीं पे और उसमें बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। सारे पत्थरों में से किसी एक पत्थर के नीचे बताया जा रहा है कि इस पत्थर के नीचे एक खजाना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस पत्थर के नीचे वो खजाना छिपा है। तो एक इंसान जिसको उस खजाने की ज़रूरत है, या खजाने की ज़रूरत तो खैर सबको ही है, वो एक एक पत्थर को उठा उठा के देखेगा जब तक कि उसको वो खजाना नहीं मिल जाता। तो मतलब कि वो हर संभव प्रयास करेगा उस खजाने को ढूंढने के लिए। एंड ही विल और शी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब कि हर पत्थर को उठाना, हर पत्थर के नीचे देखना, कोई चीज़ ढूंढना, किसी चीज़ का सुराग ढूंढना या एफर्ट करना, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, इसके बारे में बात हो रही है कि सभी संभव प्रयास करे जाने को हम कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। द पुलिस वॉज डिटर्मिंड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड द मर्डरर। जैसे इंग्लिश सीखने के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन परसूट ऑफ माई फ्लुएंसी इन इंग्लिश, या इन परसूट ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, कि मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग के सफ़र में सारे संभव प्रयास करूँगा। तो आई होप दिस डिस्कशन हेल्प्स यू। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई आपको लगता है और एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।